भारत के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी का धन्यवाद कि उन्होंने किसानों से वार्ता का संदेश भेजा है, किसानों की चिंता की है। मेरा उनसे निवेदन है कि सरकार माता पिता होती है, सरकार प्रजा से जिद नहीं करती, वो किसानों के पास आए, किसानों की बात सुने और जो उनकी सही मांग है वो मांग पूरी करें। आखिर कुछ सही है तभी तो सारे किसान इकट्ठे हो गए हैं, यूपी है, पंजाब है, हरियाणा है, मध्य प्रदेश से आ रहे हैं और भी प्रांतों से। और मेरा एक निवेदन है उन नेताओं से जिसने एक शब्द ये कहा है कि ये किसान जो हैं ये खालिस्तानी हैं या इनमें से कुछ खालिस्तानी हैं, जिसने ऐसा कहा है वो देश का नेता भी है और कुछ ऐसे भी हैं। उनको पंजाब के किसान से, देश के किसान से माफ़ी मांगनी चाहिए। याद रखो नेताओं, ये जो किसान हैं इनमें से बहुत से तो ऐसे होंगे जो खुद सीमा पर पहरेदारी कर चुके हैं और बहुतों के बच्चे आज भी बॉर्डर पर लड़ रहे हैं, वो CRP में हैं, BSF में हैं, पुलिस में हैं, पंजाब पुलिस में हैं। किसान के बेटे ही शस्त्र उठाकर सीमा की रक्षा करते हैं और किसान अन्न पैदा करके सबका पेट भरता है। इसलिए मेरी तो मोदी जी से प्रार्थना है कि मोदी जी, ये आपके बच्चे हैं, ये आपकी प्रजा है, जितनी जल्दी हो सके इनको प्यार से अपने पास बिठाएं और जो इनके संशय या सही इनकी कठिनाई है उसका समाधान करें। ज़्यादा दिन सड़कों पर आंदोलन नहीं चलना चाहिए। और शाबाश किसान नेताओं को, कोई छोटा मोटा नेता प्रदर्शन करता है ना तो कई सरकारी गैर सरकारी संपत्ति जला देता है। किसान गए हैं, आगे बढ़ते गए हैं, किसी नागरिक को उन्होंने तंग नहीं किया और ना किसी संपत्ति पर हाथ उठाया। ऐसा राजनेताओं को भी प्रदर्शन करना चाहिए जैसे किसान शांतिपूर्ण ढंग से 2 महीने से कर रहे हैं, 1 दिन 2 दिन की बात नहीं है। तो मैं किसानों को उनके शांतिपूर्ण प्रदर्शन धरने के लिए धन्यवाद भी देती हूँ और एक बार फिर अपने को